हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। करेंटली मैं केवीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे और सुबह उठने के बाद मैंने ब्रश कर लिया है और ब्रश करने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ पढ़ाई करने। अभी मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली अभी कितना टाइम हो रहा है। तो देखिए, हमारा गूगल भी कह रहा है कि सुबह के 4:30 बज गए हैं। तो चलिए, अब मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया है और अब मैं सीधे लग जाऊँगी पढ़ाई में। आज मैं सबसे पहले पेडागॉजी पढ़ रही हूँ। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने केवीएस पेडागॉजी के यूनिट 1 और यूनिट 2 का एक कॉन्सेप्ट मैप कुछ पेजेस में बनाया है। आज मैं उन्हीं पेजेस को रिविजन करने वाली हूँ और मैं हर 2-3 दिन पर कोशिश करूँगी कि इसमें जितना कुछ भी लिखा है इन सब को मैं रिविजन टाइम टू टाइम करती रहूँ। जो मैंने कॉन्सेप्ट मैप बनाया था उसे रिवीजन करने में मुझे 2 घंटे लगे हैं और अब मैं अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ने वाली हूँ। तो नेक्स्ट मैं पढ़ने वाली हूँ क्लास 8 की एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हमारे थीम से ईवीएस के थीम से रिलेटेड हैं उन सभी चैप्टर्स को मैं बीच बीच में पढ़ती रहती हूँ ताकि थीम से रिलेटेड जितना भी कॉन्टेंट है वो सारा कवर हो जाए। अगर केवीएस के सिलेबस में कुछ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट मुझे लगता है तो वो ईवीएस है, क्योंकि ईवीएस में का सिलेबस जो है वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, तो ऐसा समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं क्लास 8 तक की एनसीईआरटी को कम से कम अच्छे से पढ़ लूँगी। क्लास 8 की बुक को मैंने कंप्लीट कर लिया है क्योंकि इन बुक्स को मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा पढ़ा है तो अभी रिवीजन करने में बहुत कम टाइम लगता है। केवल हाइलाइटेड पॉइंट्स को ही पढ़ना होता है, तो बस अब मेरा रिवीजन ख़त्म हो गया है और इस तरह से मैंने मॉर्निंग आर में ही 3 घंटे की लगभग पढ़ाई पूरी कर ली है। और अब मैं अपना टाइमर ऑफ कर रही हूँ और इसके बाद मैं लग जाऊँगी घर के काम में। फाइनली फरवरी का मंथ जो है हमारा शुरू हो गया है और केवीएस के बहुत सारे पोस्ट के एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर बनने लगता है कि हमारा भी एग्ज़ाम अब स्टार्ट ही होने वाला है कुछ दिनों के बाद। अगर मैं केवीएस पीआरटी की बात करूं तो हमारे पास अब केवल 20 दिन बचे हैं और 20 दिनों में ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर ली जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर ली जाए। और बहुत लोग ऐसे भी होंगे और बहुत मुझे ऐसे कमेंट भी आ रहे हैं जिसमें मेरी कुछ व्यूअर्स बोल रही थी कि दीदी, हमारा जो मॉक टेस्ट है उसमें बहुत कम मार्क्स आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए इस टाइम पे। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ, आपका मॉक टेस्ट में अगर कम मार्क्स भी आ रहा है तो आप हताश मत होइए सबसे पहले, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर प्रेशर लेंगी तो कहीं ना कहीं आपका परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब होता जाएगा। तो इसलिए पहले हताश मत होइए और धीरे धीरे आपका जो वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। देखिए कि आपका मॉक टेस्ट में किस सेक्शन में कम नंबर आ रहा है और फिर उस सेक्शन को आप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए और धीरे धीरे करके पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यूटी में बने रहिए। अभी के जो 20 दिन हैं वो हमारे लिए बहुत क्रूशियल हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। अभी जिसने हिम्मत हार ली ना, समझिए कि वो अपनी लाइफ का एक बहुत अच्छा चांस जो है वो खो देगा। तो इसलिए मैं आपको भी कहती हूँ कि अभी हिम्मत मत हारिए। भले ही आपको 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करने में प्रॉब्लम होती हो या फिर मन ना करता हो, लेकिन इस बार आपको अपने मन को मनाना पड़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी।
ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं दोबारा पढ़ाई करने आ गई हूँ, तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी और अब मैं अपनी पढ़ाई का सेकेंड स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। सेकेंड स्लॉट में मैं पढ़ने वाली हूँ EVS क्लास 3 to 5 की। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि क्लास 3 to 5 की EVS को आप इग्नोर मत करिए, क्योंकि अभी हाल में जो KVS LDCE का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सारे क्वेश्चन जो हैं वो 3 to 5 क्लास से ही पूछे गए थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत टफ पढ़ने के चक्कर में इजी चीज़ पढ़े ही ना और क्वेश्चन वहीं से आ जाए। तो बस हमें इग्नोर किसी भी चीज़ को नहीं करना है। अगर आप क्लास 8 तक की साइंस पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ आप क्लास 3 to 5 तक की EVS बुक भी अच्छे से पढ़ लीजिए। ये मैंने EVS का नोट्स प्रिंट करवाया है और मैं उसी से अभी पढ़ रही हूँ। वैसे क्लास 3 से 5 तक की जो बुक है EVS की उसमें भी कम कंटेंट नहीं है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं आता है, तो मैं कहूँगी कि आप उनको भी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। EVS पढ़ने के बाद मैं EVS के ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने लग रही थी यूट्यूब से, क्योंकि देखिए केवल थ्योरी पढ़ने से नहीं होता है। अगर आपको अच्छा आउटकम चाहिए अपनी पढ़ाई में तो थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिए और हो सके तो उसी दिन सॉल्व कर लीजिए। EVS पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि जब मैंने CTET की तैयारी की थी तब भी मैंने EVS को बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मुझे पहले से लर्न थी और बहुत सारी चीज़ें मैं भूल गई थी, तो उन सभी को मैंने अच्छे से लर्न कर लिया है। और लर्न करने के बाद मैं ऑनलाइन MCQs भी सॉल्व कर रही हूँ। 2 hours later अगर आप EVS के MCQs YouTube पे सर्च कीजिएगा तो आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे। तो मैंने भी केवल एक टीचर से नहीं बहुत सारे टीचर्स के MCQs देखे। मैंने हिमांशी मैम का भी देखा और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म के टीचर्स थे, उन्होंने भी कराया हुआ था 3 to 5 तक का MCQs। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप अलग अलग टीचर्स से देख रहे हैं MCQs तो सारे टीचर कुछ ना कुछ अपने कॉन्टेंट में न्यू ज़रूर ऐड करते हैं। तो बस सारे MCQs कंप्लीट करने के बाद अब मैं अपनी पढ़ाई बंद कर रही हूँ और इसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगी। इस तरह से मैंने 5.5 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है। A few moments later. तो अभी बज रहे हैं 1:00 और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं दोबारा आ गई हूँ पढ़ाई करने और इस टाइम पे मैं पढ़ने वाली हूँ हिंदी। हिंदी के मेरे कुछ टॉपिक्स जो थे वो बचे हुए थे जिनको मैं बहुत दिनों से इग्नोर कर रही थी कि मैं बाद में पढ़ लूँगी, तो आज फाइनली मैं सोच रही हूँ कि 2-3 टॉपिक जो बचे हुए हैं उनको पढ़ के मैं हिंदी को कम्प्लीट ही कर लूँ। जो बचे हुए टॉपिक्स थे उसमें मेरा अलंकार, समास और इसके अलावा संधि और स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, ये 4 टॉपिक्स जो थे वो मेरे बचे हुए थे, तो आज इन सारे टॉपिक्स को मुझे कम्प्लीट करना है। अभी मैंने हिंदी के केवल 3 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, संधि और समास, और अभी मैं समास से रिलेटेड MCQs सॉल्व कर रही थी। अलंकार वाला पोर्शन जो है वो मेरा बच गया, उसको मैं रात में कर लूँगी। और मैं बात करूँ बाकी सारे टॉपिक्स की जिनको मैंने आज कंप्लीट किया है, तो मैंने सारे टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हर टॉपिक से लगभग 50 MCQs सॉल्व किए हैं। तो आप भी अगर हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप भी अपनी हिंदी को ऐसे ही प्रिपेयर कर सकते हैं। आज मेरे सिर में थोड़ा दर्द था तो बस अभी मैं इतना ही पढ़ूंगी, इसके बाद मैं रेस्ट करूंगी और जब मैं रेस्ट करूंगी तब मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी और बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको मैं रात में कवर कर लूंगी। तो इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह के मोटिवेशन स्टडी ब्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी, आपका हौसला बढ़ाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।